हेलो गाइस, आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे एमसीक्यूज करने वाले एनटी अभ्यास से रिलेटेड। ओके, आई गेस वी आर लाइव नाउ। आप जल्दी से मुझे बस कंफर्म करके बता दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर देते हैं और शुरू करते हैं सेशन को। आई गेस अब लाइव हो चुका है ये सेशन, आप जस्ट मुझे कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे ये लाइव हुआ या नहीं हुआ। आई गेस लाइव हो चुका है। यस, एक बार मैं चेक ओके कर लेता हूँ लाइव हुआ या नहीं। ओके लाइव हो चुका है। डोंट वरी गाइस, तो जिन जिन को आवाज़ नहीं आ रही है डोंट वरी, अब आ जाएगी आवाज़ आ रही है। लाइव में थोड़ी सी इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, डोंट वरी। अब चलिए आइए शुरू कर देते हैं सेशन को। एनटी अभ्यास से रिलेटेड आप भी शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुँचा दीजिए कि भाई सेशन शुरू हो चुका है, और हम भी शेयर कर देते हैं, ठीक है, जिससे सबको पता तो चल जाए कि भैया क्लास शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आप मुझे जस्ट कंफर्म करके बता देना। यस, क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलो आ जाओ यहाँ पे शुरू कर देते हैं। हेलो जी, अरे सब दूर हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त मस्त। आइए चलो, तो यहाँ पे आ चुके आपके स्क्रीन के सामने कुछ सवाल, प्यारे से सवाल। तो चलो उन प्यारे से सवाल को करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले आप शेयर कर दो, बहुत लोगों को पता नहीं था, ठीक है, मैंने लिंक विंक नहीं डाली थी। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, जब तक नोटिफिकेशन आ रही है तब तक उन्हें बता दिया जाए आप लोगों को। बहुत लोगों को पता नहीं है कि अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 14 और 15 अगस्त को होने वाला है, और अगर आप ये बेसिकली क्लास 12th पास आउट हो और आप प्रिपरेटरी फेज में हो 21 के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला क्लास ड्रॉपर प्लस क्लास 12th नीट यूजी टारगेट 21 वाला 14 अगस्त को ये टेस्ट दे सकते हो, 2 बजे से 3:30 बजे तक। ये टोटली फ्री है गाइज, इसमें आपको एक पैसे भी नहीं देने हैं। और अगर आप प्रोडिजी बनते हो, यहाँ पे टॉप 2 में रैंक लेकर आते हो, तो आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर की फीस अनअकैडमी स्पॉन्सर करने वाली है। और वहीं पे अगर आप टॉप 10 रैंक ला रहे हो प्रोडिजी में, आपको मैकबुक मिलेगा, 11 से 15 को iPhone 12 और 16 to 20 को एप्पल आईपैड मिलने वाला, और 21 to 50 को अमेजोन इको डॉट मिलेगा फोर्थ जनरेशन वाला, और 51 to 100 को अमेजोन के वाउचर्स। तो यार गिफ्ट्स तो बहुत सारे, गिफ्ट्स के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई गेस, राइट, है ना। तो डेली प्रैक्टिस होते हैं, लास्ट ईयर के प्रोडिजी जिन्होंने नीट और जेई दोनों में एक्सेल किया था, दे ओके सम ऑफ द फेमस नेम्स, और न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकते हो आप 11 अगस्त से, आज से शुरू हुई है 22 और 23 के लिए। वहीं पे जो ब्रांडेड नोट्स है, आपको पता है ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन वाली फीलिंग मिल रही है। तो चलो अब शुरू कर देते हैं सेशन को। आपने शेयर कर दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूँ शेयर कर दिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, लिख दिया द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर इको आर1 कट इज। तो इको आर1 जहाँ पे कट करता है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कौन सा वाला है, चलो और जल्दी से बता दो यहाँ पे कौन सा वाला है। आ जाओ, लेट्स चेक इट आउट गाइज, यहाँ पे कौन सा वाला है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, कन्फर्म मार लेते हैं जल्दी से। तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज योर GAATTC, राइट, GAATTC हो जाएगा, आपको पता है ना GAATTC, राइट, यहाँ पे भी लिख दो GAATTC, यहाँ पे 523, ओके 523 बिठा दिया, ओके लिख दिया ना, ये सीक्वेंस आ गया, यस वेरी गुड। तो 1 का क्या हो जाएगा, नंबर बी इज द आंसर ऑफ चॉइस 1 का। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, क्या पूछा आपसे यहाँ पे। ओके, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के एग्जाम्पल क्या है इसमें गाइज, ओके फिनाइल कीटोनूरिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, राइट, दिस इज योर एक्स लिंक रेसेसिव। बाकी जो बच्चा लोग, ये क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव, ठीक है, ऑटोजोमल रेसेसिव, AR AR, ठीक है, लिख दिया, सब में AR लिख दो, बाकी में AR लिख दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 डन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम कोडेड बाई लैक वाई जीन। तो बेसिकली लैक ओपरॉन के बारे में पूछा गया आपसे, किससे, लैक ओपरॉन। तो लैक ओपरॉन में जो जीन हो जाते हैं दैट इज बेसिकली ZY and A, राइट, यही था आपने पढ़ा है ZYA। तो इसके लिए चीट कोड क्या लगाते हो, ओके BPT, BPT मतलब क्या हो जाता है, ये जेड से जो लैक जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांसएसिटाइलेज। तो वाई से जब परमिएज आ रहा है मतलब क्या करेगा, परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इंटू द सेल, ठीक है, इसका काम ये हो जाएगा, आंसर आ गया 3 का क्या हो जाएगा, बी। आई नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्या पूछा आपसे? डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। जल्दी से बता दो यार, एकदम जल्दी से। लेट्स सी कौन इसका आंसर करता है, क्या होना चाहिए। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को थोड़ा बताया गया है। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज याद आ गया। यूज एंड डिसयूज किसने दिया था? लैमार्क का था। तो आंसर आ जाएगा नंबर बी, 4 का बी आ गया, लैमार्किज्म। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। द क्राई जीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, क्राई जीन ऑन टी डीएनए सीक्वेंस। तो क्राई जीन मिलता कहाँ से था? क्राई जीन फ्रॉम बीटी, बैसिलस थुरिंजियंसिस से निकाला गया था, और उसको लगाया था एग्रोबैक्टेरियम के टीआई जो प्लाज्मिड है वहां पे लगाया गया था। तो टी डीएनए सीक्वेंस पे क्राई जीन बैठाया गया था। क्राई जीन किससे मिला था? बीटी से मिला था। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फिशन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर, अब यहाँ पे चूज करना है ठीक है। ओके क्यों ही वो फिशन और बडिंग करते हैं, रीजन क्या है, व्हाई दे आर डूइंग फिशन एंड बडिंग। कोई तो रीजन होगा, व्हाट इज द रीजन, क्या होना चाहिए। बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म राइट, यही है ना, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर। तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर? 6 का लगा दो यार, ए इज आंसर ऑफ चॉइस। क्लियर, 6 का ए हो गया, सही लगाया ना। यस वेरी गुड। अच्छा एक और सवाल कर देते हैं यहाँ पे। अरे बी स्पैम नहीं करना, इसका आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लो थोड़ा बड़ा सवाल, थोड़ा बढ़िया सवाल, क्योंकि आप आए हो इतनी मेहनत से तो आपको बढ़िया सवाल दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए गाइज इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें सही करने वाला है। तो चलिए आइए जल्दी से ताला लगा दिया जाए। ठीक है इसका क्या होगा, देखो आओ एक एक पढ़ते हैं ठीक है। लास्ट से पढ़ लेंगे। लिप्स लूप इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, नेवर। ओके लिप्स लूप इज नॉट हार्मोन रिलीजिंग, इट इज आई इनर्ट आईओडी राइट। तो 4 गलत है, 4 गलत है, तो यहाँ से कट गया ये ऑप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी। नो, मेल में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वासेक्टॉमी। मेल में क्या बोलेंगे इसको, वासेक्टॉमी। तो ये वाले भी गलत है, 3 नंबर। तो 3 नंबर कट गया, 3 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, नंबर डी। बाकी पढ़ना पड़ा, पढ़ना भी नहीं पड़ा, आपने आंसर भी निकाल दिया। और चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्या पूछा गया गाइज यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज सिंपल फूड चेन एंड लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। सिंपल फूड चेन है और लिटिल साइकिलिंग है, मतलब साइकिलिंग बहुत कम हो रही है। तो ये मैन मेड का आ सकता है, ये मैन मेड। तो इसमें मैन मेड कौन सा सिंपल वाला, ऑब्वियसली वीट का फील्ड, इसमें सिर्फ वीट ही तो है राइट। आंसर आ जाएगा 8 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या सवाल है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है डी तक दिया गया स्टेटमेंट। ये देखो आ गया एक और बढ़िया सवाल, आओ एलिमिनेट करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी शोन बाई सिंगल स्पीसीज ओके एट जेनेटिक लेवल। ये सही लग रहा है, तो एक का तो ट्रू हो जाएगा, दो जगह ट्रू दे दिया, मतलब ये दो में से कोई एक होगा। इट इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी, लिखा है कम्युनिटी नहीं होता, ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज होता है राइट, स्पीशीज होता है। तो बी फॉल्स हो गया, बी फॉल्स हो गया, तो मतलब नंबर बी आ गया इसका आंसर। देखो बी आ गया अगेन, तो ऐसे करके ताला लगा दोगे। अरे आ जाओ यहाँ पे, क्लियर नहीं दिख रहा, आप रेजोल्यूशन बढ़ा लो जरा सा। एक काम करो, देखो यार मैं आप में से बहुत लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी में जाओ आई गेस। ओके हायर पिक्चर क्वालिटी, हायर पिक्चर क्वालिटी में कुछ ऑप्शन आएगा, एक बार चेक करते हैं। लेट्स सी, एडवांस में क्लिक करके 720p, और 720p किया तो एकदम क्लियर हो गया आई गेस। आप एक बार जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो, आई गेस दिख रहा है यहाँ पे आपको हायर में राइट, दिखा ना। ओके तो इसका आंसर बी हो जाएगा अगेन। और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें आपके लिए मैंने 50-50 गेम खेला है ठीक है, इसमें आपको 50-50 बताना है। और मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मार्किंग पूछी गई है। चलो आप खुद ही बता दो, ये वाला क्या है, ए इस जगह पे ए वाला बल्बो यूरेथरल आएगा राइट, ए वाला होगा बल्बो यूरेथरल। तो यहाँ पे ए में लिखा है, इसमें बल्बो यूरेथ्रल लिखा है, और बी वाला जो ऊपर है दैट इज योर सेमिनल वेसिकल, एनसीआरटी का जो ड्राइंग है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ठीक है क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, चलो अभी मैं बड़े वाले, अभी बड़ा दिख रहा है, उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, अभी दिख रहा है बड़ा, आई गेस ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सेट कर देते हैं इसको, आई गेस हाँ ठीक है। अभी ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंडरी फ्लोएम इज नियर टू। इससे बड़ा क्या चाहिए बताइए, इससे बड़ा चाहिए क्या, आई गेस बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब मार्क करके आंसर बता दो, सेकेंडरी फ्लोएम इज नियर टू, इसके नियर होगा सेकेंडरी फ्लोएम, मार्क कर दीजिएगा जल्दी से गाइज। सेकेंडरी
सेकेंडरी फ्लोएम इज नियर टू कहाँ पे होना चाहिए, किसके बगल? एक बात बताओ, वास्कुलर कैम्बियम था ठीक है, वो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम नियर किसके होगा? वास्कुलर कैम्बियम की, सीधी सी बात, आंसर आ जाएगा नंबर सी। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आ गया सी, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 है नहीं, ओके थोड़ा सा बस सेटिंग कर रहे हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, ये दिक्कत हो जाती है, थोड़े सा लाइक जूम आउट करना पड़ेगा, एक सेकेंड जस्ट ये सेट हो जाए। हाँ एक सेकेंड, जल्दी से सेट हो जाए। हाँ ओके, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया आपसे गाइज? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ओके, मेरा साउंड कम आ रहा है क्या? सबको कम आ रहा है क्या मेरा साउंड? आप मुझे जस्ट कंफर्म कर देना, फिर हम लोग वापस एक बार चेक कर लेंगे। तो फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन में? फ्रॉम डिस्टल बोला है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। ADH, ADH इज ऑल्सो कॉल्ड एज वासोप्रेसिन, ADH को वासोप्रेसिन बोलते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे? ऑब्वियसली नंबर सी, 12 का हो गया सी, क्लियर है, रीअब्सॉर्प्शन के लिए बोला है ना। आज हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अभी देखो थोड़ा छोटा छोटा हो गया, मैं इसको वापस ठीक कर देता है, एक सेकेंड, अभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम? तो इसमें करेक्ट पेयरिंग, यहाँ लिखा एज रिलेटेड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज नॉट एज रिलेटेड, गलत हो गया ठीक है। अपने पढ़ा ये सारे एनसीईआरटी के उठा के दिया, माइसिनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून है बट इसमें स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन फिलामेंट इनिबिट नहीं होता है, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं उसमें, ठीक है तो ये भी गलत है। गाउट में लिखा है कैल्शियम का डिपोजिशन के कारण, इसमें तो यूरिक एसिड का होता है ना, तो ये भी गलत है, आंसर बच गया नंबर बी। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास कम हो जाता है विथ एडवांसिंग एज, इसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ईस्ट्रोजन की कमी होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 13 का बी हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, ओके क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके स्क्रीन के सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, सारे के सारे यहाँ पे हार्ट बीट का रेट बढ़ा सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट एक्सेप्ट। देखो यहाँ गेम हो जाता है, अपन ने क्या करते हैं आधा आधा पढ़ के फिर बोलते हैं यार वही हो सकता है, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, यहाँ पे आपसे पूछा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट क्या होगा? देखो ये तो बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, बट जो वेगस है, वेगस पैरासिम्पैथेटिक के जैसा काम करता है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक हो गया, वेगस आ गया, वो कम करेगा ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है ओके, चलो आ जाओ गाइज, यहाँ पे आंसर आ गया, क्या हो जाएगा? 14 का सी, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ जाते, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर दें क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया यार, आ जाओ मार्क करते हैं ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, क्या होना चाहिए? आपको क्लियर नहीं दिख रहा यहाँ पे, बोल रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा, एक बार एक काम करो थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो, क्लियर दिखने लग जाएगा, आइए बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होना चाहिए? द मेजोरिटी ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे? अरे भाई आंसर ही लिख दो यार जल्दी से, बॉट भाई आंसर लिख लो, नीट की तैयारी कर लो, काम आएगी ठीक है। हाँ तो मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाएगा गाइस? बाई कार्बोनेट्स होगा, बाई कार्बोनेट्स, वेरी गुड, चलिए आइए। 70% के अराउंड पढ़ा था तुमने, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग बींग, ये हम लोगों ने एक बार और किया था याद करो। ओके नॉट कॉमन क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ प्रोटीन सब में अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, सब में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग हैं, सब में डिफरेंट होंगे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 17, 17 में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी, इसमें कौन सा गलत है भाई विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी के फंक्शन में यहाँ पे क्या चीज़ गलत है? तो चलो जल्दी से बता दो, बक्कल कैविटी इसमें लिखा मास्टिकेशन फैसिलिटेट स्वेलोइंग फॉर्मेशन ऑफ बोलस बनता है, बट प्रोटीन का डाइजेशन तो बक्कल कैविटी में शुरू ही नहीं होता, तो क्या गलत हो जाएगा भाई जल्दी बता दो? 17 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन
वेरी गुड। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो स्टमक में शुरू होता है ना, स्टमक में होता है शुरू। आ जाओ, और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में शुरू किसका डाइजेशन होता है? कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, राइट, कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या सवाल है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव वन एक्सॉन, टू और मोर डेंड्राइट्स एंड आर फाउंड इन, अगेन एनसीईआरटी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। कॉर्टेक्स में तेरे को मिलता है ना मल्टीपोलर। रेटिना में क्या मिलेगा? रेटिना में जल्दी बता दो, रेटिना में बाईपोलर पढ़ा था ना, बाईपोलर पढ़ा था। आइए आगे बढ़ जाते हैं नाउ। और यूनिपोलर तुमने एम्ब्रायोनिक में पढ़ा था। आओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे सही कौन सा है, यहाँ पे सही कौन सा, आओ देखते हैं। एडीएच लिखा है प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। ओके, ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली। एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन भी लिखता फिर भी गलत है, एडीएच का काम ये है ही नहीं। ओके, एएनएफ लिख रहा है सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन को इनहेंस करता है, गलत। इट डिक्रीजेस द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, इनफैक्ट ये क्या करता है, सोडियम को और बाहर निकाल देता है, ठीक है। एएनएफ, रेनिन वाजोडाइलेशन, नहीं, रेनिन का काम क्या था? रेनिन का काम था एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन, ध्यान से सुन लो, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन करता था? रेनिन करता था, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? नंबर बी इज द करेक्ट। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? वाटर रीअब्सॉर्प्शन को फैसिलिटेट कर सकता है अलोंग विद सोडियम आयन, याद रहेगा, अलोंग विद सोडियम। चलो बेसिकली सोडियम को करा, उसके साथ वाटर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन बढ़िया सवाल। इन रिसेंट ईयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड वाई क्रोमोजोम वर कंसिडर्ड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन इवोल्यूशन बिकॉज, वाई मैन, व्हाट इज द रीजन कि माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोम को सेलेक्ट किया गया? बिकॉज दे आर यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन। तो आंसर आ जाएगा नंबर डी, क्लियर है। इसीलिए आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे मान लो मम्मा से सारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 आ गया। क्या पूछा है? प्लांट ग्रोथ इन टर्म ऑफ लेंथ अकर्स ड्यू टू, प्लांट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है प्लांट ग्रोथ इन टर्म ऑफ लेंथ? बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के कारण ये लंबा होता है। ओके, याद रहेगा। 21 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम कौन कौन से पढ़ा है तुमने? रैम और सैम, रैम सैम पढ़ा था, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, क्लियर। आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। 22 आपने सुना था कॉर्म इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑलरेडी मैंने स्पेशल क्लास में करवाया है स्टेम का मॉडिफिकेशन। आइए आगे बढ़ जाते हैं नाउ। कोलोकेशिया ये सब सुना भी होगा आई गेस आपने, थोड़ा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। ओके, कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी के लिए इसमें गलत क्या है, आओ देखते हैं। तो ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच रिपोर्ट किए गए हैं, ऑब्वियसली किए गए हैं, मिलते हैं। ओके, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल कंसील्स द हेड, ये भी सही है। और क्या लिखा है यहाँ पे? लेंथ लिख दिया है इतना। ओके, और क्या है? दे हैव टू पेयर ऑफ एंटीना, कुछ भी नहीं आता तो ये बता दो, एक ही पेयर होता है ना एंटीना का। अरे इतने कॉकरोच देखे घर में, अब बताओ मुझे यहाँ पे 23 में क्या होता है? दो पेयर थोड़ी होता है, एक ही पेयर होता है ना एंटीना, तो एक ही पेयर होता है 23 में। और जो तुम्हारे एनसीईआरटी में इंच में दिया गया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट मार लेना, ठीक है, उसमें इंचेस में लिखा गया है एनसीईआरटी में। अब आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन उसके ब्रैकेट में लिखा है गेस मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्स ऑर्गन इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के सेक्स ऑर्गन कैसे हो जाते हैं? या मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, आंसर आ गया नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 25, 25 आ गया। फॉर्मेशन ऑफ फेलोजेन फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड एज डैश। तो बहुत ईजी है, मतलब इसमें ना सवाल एकदम पानी है। आपसे क्या पूछा गया गाइस यहाँ पे, आ जाओ देख लेते हैं। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे बोला फेलोजेन बन रहा है पैरेन्काइमा से, तो पैरेन्काइमा कैसा सेल था पहले खुद सोच के बताओ। ये बेसिकली डिफरेंशिएटेड था, है ना, डिफरेंशिएटेड था। अब क्या होगा, ये परमानेंट के अंदर भी आप इसको काउंट कर ही सकते हो, तो डिफरेंशिएटेड था। अब ये कौन सा प्रोसेस जाएगा? फेलोजेन का मीनिंग होता है कॉर्क कैम्बियम, राइट, फेलोजेन इज बेसिकली कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस जाएगा? डी डिफरेंशिएशन जाएगा। तो कॉर्क कैम्बियम जब बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, आंसर हो जाएगा नंबर सी। 25 का हो गया सी। आओ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। द प्रिकली पियर कैक्टस, अगेन एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि प्रिकली पियर कैक्टस जैसे ऑस्ट्रेलिया में आया पूरा फैल गया ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। फिर क्या किया गया वहां पे, वहां पे मॉथ्स छोड़े गए जो उस कैक्टस से फाइट करने में मदद करेंगे बेसिकली। ओके,
याद रख लेना ये वाला, बहुत लोगों को याद नहीं रहता। ओके चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा 26 का, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, सेक्रेट ग्रुप्स क्या चीज में यूजफुल होते हैं। ओके तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, सेक्रेट ग्रुप कैसे हो जाते हैं गाइज, इन सीटू के अंदर आते हैं। इन सीटू में आंसर क्या आ जाएगा, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, आंसर आ जाएगा नंबर डी, इन सीटू में, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया गाइज, यहाँ पे क्या पूछा आपसे। ओके स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस आर यूज इन प्रोड्यूसिंग, बीटी का जो स्ट्रेन है वो क्या चीज में यूज किया जा सकता है फॉर बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, डेफिनेटली तो आंसर आ जाएगा नंबर ए, क्लियर। ओके 28 का कितना, ये आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो यहाँ पे बोला है इन गर्डल प्लांट, गर्डलिंग, गर्डलिंग का एक्सपेरिमेंट याद होगा एनसीईआरटी में, अगेन गर्डलिंग का एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग में क्या बोला जा रहा है कि भाई मैंने गर्डल कर दिया अप टू वास्कुलर कैम्बियम का लेवल, मतलब मैंने बेसिकली फ्लोएम को क्रश कर दिया है बाहर पे, फ्लोएम तक है ना, तो खाना नीचे नहीं जाएगा। अगर एक बात बता, खाना नीचे नहीं गया तो कौन मरेगा, जल्दी से रूट मरेगा, खाना नहीं मिल रहा है ना। आओ आगे बढ़ जाते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूजफुल टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, अगेन आंसर बीटी ही होगा बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए भी, तो बैसिलस थुरिंजियंसिस, आंसर आ गया नंबर सी। ओके नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा आपसे। NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH2 क्या चीज से जनरेट होता है, जल्दी से बता देना एकदम बढ़िया से। NADPH2 कब होगा, ग्लाइकोलाइसिस, अरे नहीं भाई NADH होता है वहाँ, NADH होता है, कंफ्यूज ना करना, ठीक है। ओके तो ये गलत हो गया, साइक्लिक में होता नहीं है, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बन रहा था, ठीक है। एनारोबिक, एनारोबिक में हो रहा है क्या, एनारोबिक में नो, तो आंसर आ जाएगा नॉन साइक्लिक में, क्लियर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, 32 नंबर सवाल देखते हैं, लेट्स सी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट हैव नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी नाम बताओ जल्दी फास्टर। ओके नॉन एंडोस्पर्मिक को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस, क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस, ठीक है एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं। अब एक्स एल्बुमिनस सीड है तो एक्स के लिए चीट कोड क्या है यार, चीट कोड बता दो दिल खुश हो जाएगा मेरा, मैंने आपको याद करवाया था एक्स पॉबजी, बस बता उससे काम होगा या नहीं होगा, उससे काम होगा या नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। चलो फिर ताले लगाओ यार एक्स पॉबजी का चीट कोड से। ओके ऑलमोस्ट बोला था कि भाई उससे ऑलमोस्ट सारे टाइप के एमसीक्यूज क्रैक हो जाएंगे एक्स एल्बुमिनस वाले से, देख हो भी गए, आंसर आ गया पी ऑर्किड बीन, ग्राउंडनट दिया रहता, ग्राउंडनट करते ग्राम दिया लगा दो, ठीक है। आओ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द सिंपलेस्ट मैकेनिकल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू गिविंग, यहाँ क्या लिखा है, मैकेनिकल सपोर्ट टू लिविंग सेल इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, तो यहाँ पे क्या लगता है कौन आना चाहिए। तो बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन यंग पिटियोल्स में होंगे, तो बेसिकली ये जो बात पूछा गया है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। अब बताओ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू किसको बोलोगे, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू किसको बोलना चाहिए भाई, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू पोलेनकाइमा को बोलना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, नंबर नंबर सी आ जाएगा, वेरी गुड मैन। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आ गया, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में से इसमें से कौन सा वाला ट्रीट नहीं किया जा सकता, गोनोरिया, ये तो बैक्टीरिया से होता है, किया जा सकता है, तभी बैक्टीरिया बैक्टीरिया मार दें क्या, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं लेकिन चेंजेस जाएंगे, क्लैमाइडिया में दूसरा आ जाएगा, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस हो जाएगा, ठीक है। तो बचा गया यहाँ पे वायरस से, अब देखो तुमको बहुत से लोगों को दिमाग में नहीं लगेगा इसका, मैं हेल्प कर देता हूँ, वायरस, वायरस से जो होगा उसमें आप एंटीबायोटिक यूज नहीं करोगे, वायरस से होता है। अब ये वायरस क्या होगा, इसका नाम कोई बताएगा मुझे, वायरस का क्या लगता है जल्दी बताओ, वायरस का नाम तुम बताओगे मैं बताऊँ, HPV लिख दें क्या, HPV लिख सकते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एकदम लिख सकते हैं, लगाइए ताला यार मैं ही बता दिया। चलो एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अगेन एनसीईआरटी का लाइन कॉपी पेस्ट, एनसीईआरटी का लाइन कॉपी पेस्ट है गाइस, बताइएगा 35 नंबर क्या पूछा गया गाइस यहाँ पे, लेट्स सी। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड, रॉन्ग गलत क्या है ह्यूमन ब्लड के लिए, गलत, आप देखते हैं सर यहाँ पे गलत क्या है, एवरेज आरबीसी काउंट इतना कम, गलत है ना यार, 5 से 5.5 पढ़ा है तुमने और तुम ये 2 से 4 मार रहे हो। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 36,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर एनसीआरटी में जो दिया है वही बताना, बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइटिक फंजाई, तो आंसर आ जाएगा नंबर डी 36 का। आओ 37 करते हैं। 37 बेहतरीन सवाल, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन, ये एक्चुअली माइको और फाइको लिख के क्या समझाना चाह रहे हैं, फंगस और एल्गा के बीच समझा रहे हैं, फंगस और एल्गा के बीच क्या कौन सा होता है, इसमें क्या बनाता है, लाइकेंस बनाते हैं, सीधी बात है ना, क्या बनाते हैं, लाइकेंस, तो आंसर आ जाएगा 37 का सी, 37 का सी हो गया। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स क्या लिखे यहाँ पे, बर्ड्स गैस रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, तो बेसिकली बता दीजिएगा यहाँ पे बर्ड्स रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, तो यहाँ पे बता दीजिएगा कौन सा वाला, ठीक है ये हैज होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो बताइएगा कहाँ से हुआ था, डोडो, डोडो रिसेंट एक्सटिंक्शन में था, कहाँ से हुआ कमेंट में बताना पड़ेगा, डोडो फ्रॉम, नहीं तो मैं बता दूँ, मॉरिशियस है क्या, ओके जल्दी बताइएगा, चलो रिसेंट एक्सटिंक्शन बोला, आर्कियोप्टेरिक्स को रिसेंट है क्या, आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा थोड़ी कि 100 साल पहले आर्कियोप्टेरिक्स उड़ता रहता था, ठीक है डोडो क्या हो, डोडो हो जाएगा 38 का राइट। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आ गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने, क्या पूछा है, टू स्ट्रैंड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आर लिंक्ड साइड वाइज बाय, तो साइड से जोड़ना है, देखो दो स्ट्रैंड है, अब ये साइड साइड से दोनों जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, जल्दी 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 से बता दो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, फास्टर फास्टर बता दो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, सीधी बात हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या है, प्यूरिन पिरिमिडिन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा नंबर सी, साइड वाइज बोला है तो ग्लाइकोसिडिक या ईस्टर मत मारना, ओके। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 40, ओके मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, आओ देख लेते हैं भाई यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो चलो जल्दी से ताला लगा लो यार, गलत कौन सा है, लेट्स सी, तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा गया, लेकिन मैं अगर ऐसे जैसे बोलते हैं एक ओवरव्यू लिया देख लिया, वैसे मुझे आंसर पता है, बट तुम्हें भी तो पता होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जोना पेलुसिडा असेलुलर होता है, यहाँ लिखा है इज ए सेलुलर लेयर, ए सेलुलर मतलब सेलुलर है, ये तो गलत है ना, बिकॉज दैट इज असेलुलर, ठीक है जीपी से बनता है ना ग्लाइको प्रोटीन, याद था, तो ये गलत है, तो इसमें आपको इनकरेक्ट तो डी ही गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है वैसे अभी क्लीवेज से रिलेटेड सवाल कम आता है, या टाइप ऑफ एग से रिलेटेड नहीं आता इनफैक्ट अभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41 में पूछा हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, हाइपोथैलेमस क्या चीज़ को कंट्रोल नहीं करता यार, जल्दी से बता दो, हाइपोथैलेमस ओके सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, कंट्रोल करेगा, ओस्मो करेगा, हंगर सेटाइटी, बट क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस के लिए सेरिब्रम बोलता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, ये आप, ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके पढ़ाई, आप पढ़ाई करने के लिए तो मुझे यूज़ करोगे, सेरिब्रम बोलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स एन ईसीजी फेज विद द कार्डियक इवेंट, पी वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, ये वेंट्रिकल लिखा और एवी नोड लिखा, काट दो, पी वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, गलत है, टी वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल दिखता है, तो 42 का क्या आ जाएगा, क्यू आर एस इज इक्वल्स टू डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, आंसर आ गया नंबर सी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 43 आ गया है, क्या सवाल है, सेलेक्ट द हार्मोन दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें से कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले तो प्रोटीनेशियस होते हैं, पेप्टाइड वाले तो ये गलत है, थायरॉयड एड्रिनल वाले, देखो थायरॉयड वाले तो आइडोथायरोनिन होता है, एड्रिनल में सिर्फ कॉर्टेक्स वाले को आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव, तो इसको भी आप पार्शियली इनकरेक्ट मान सकते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो सिक्रीट होते हैं सिर्फ, वो भी पेप्टाइड होते हैं, ठीक है तो बचेगा क्या, आंसर आ जाएगा नंबर डी, गोनाड्स के, हार्मोन ऑफ द टेस्टिस एंड ये तुम्हारे ओवेरीज, क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का डी हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन वुड, सेलुलोज लिजनिन पेक्टिन रहता है बट फैट इज एबसेंट, ठीक है तो आंसर आ जाएगा फैट, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कार्बन का नंबर कितना हो सकता था, तुमने पढ़ा था 3 to 7 पढ़ा था, अब यहाँ पे अगर 6 को पुट करके देख लो सारे में सेटिस्फाई हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाएगा सारे में, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट राइट, ऑल ऑफ देम 40, ये किसका 5 का डी हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 46, अब देखो यहाँ पे हम लोग जूम करते हैं और ये पढ़ लेते हैं, ठीक है इसमें ट्रू फॉल्स खुद ही बता लेंगे, चलो पहले पढ़ लो, तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया गया लाइन से मैं लिख दे रहा हूँ, तुमको भी यकीन नहीं होगा अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो, एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सेलेक्शन वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल एंड मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू
विल इनेबल ओके ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। मान लो समझ ही नहीं आया भैया क्या लिखा हुआ है, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। पढ़ा पढ़ा लग रहा है, सही है ये तो। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ डज नॉट कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री, ये गलत है। इट कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बताया एनसीईआरटी का, उसमें बताया था। ठीक है आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे और भी बहुत सारे हैं। क्यों खाली बेचारे रेमिनोज पे दोष दे रहे हो? ठीक है ऐसे भी बहुत सारे जो फॉर्मूला को एक मानेंगे लेकिन वो मोनोसेक्राइड नहीं है ना। तो चलो ये वाला गलत है, तो 4 गलत है 3 करेक्ट है, और देखते हैं इससे सेटिस्फाई होगा आंसर्स। तो यहाँ पे लिखा है 4 वाला फॉल्स है, 4 वाला फॉल्स दो जगह दे दिया है। अब लिख दिया यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं 3 नंबर, और 3 वाला करेक्ट है, 3 ट्रू इसमें दिया, तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। बाकी पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर निकल गया। ओके ऐसे करके निकाल लेना, ओके कभी भी फंसने का ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्या सवाल है तुम्हारे स्क्रीन के सामने? क्वेश्चन नंबर 47 है क्या ये? एक सेकंड देख लेते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं उनको क्या बोलोगे आप? दे आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्म्स। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 48, 48 आ गया। यहाँ पे लिखा है एडीए का जो डेफिशिएंसी है उसको परमानेंटली क्योर कैसे करोगे? दैट कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाई, तो कैसे परमानेंट क्योर हो सकते हैं एडीए की डेफिशिएंसी का? गाइस परमानेंट बोला तो आप क्या करोगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज से उसका ट्रीटमेंट शुरू करोगे। आंसर आ गया नंबर डी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप क्या करोगे, बोन मैरो सेल इंट्रोड्यूस कर दोगे जो प्रोड्यूस करेंगे एडीए। ओके तो आंसर आ जाएगा 48 का डी। और लास्ट टू सवाल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 49 में क्या पूछा आपसे? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेंट्स जी इज इक्वल्स टू 18%। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस प्रपोर्शन कन्फर्म्स दैट इट इज डीएसडीएनए। डीएसडीएनए होने के लिए जी सी बराबर होगा, है ना? जी इज इक्वल्स टू सी और ए इज इक्वल्स टू टी, राइट? तो जी अगर 18 है तो सी भी 18 ही होगा ना। ठीक है चलो आ जाओ, सी 18 ही होना चाहिए। अब अगर जी 18 है तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 50 से माइनस करोगे तो ए निकल जाएगा, जनरली एक ट्रिक रहती है। तो आप 50 से माइनस करो 18 को तो कितना आना चाहिए? ए इज इक्वल्स टू नियरली 32 आना चाहिए, राइट? अब अगर ए 32 है तो टी भी 32, अब ऐड करके सबको देखो 100 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ जाएगा 32, 32 कितना होता है 64, वहाँ पे 36 आ गया, 36 लिख दो, आ गया। ठीक है आ गया ना 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 49 का सी, 49 का हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, सिर्फ एक टैक्सॉन पे जो इन्फॉर्मेशन कौन कंटेन करेगा? मोनो, एक का मतलब मोनो, मोनोग्राफ्स। आंसर आ जाएगा 50 का सी। आपका स्कोर कितना रहा जरा बता के तो जाइए। तो आज 45 का नहीं था, आज 50 का था। आपने अगर नहीं देखा 50 तक, एक बार ये वाले सेशन को वापस ले जाइए और 50 तक जरूर देखिए, और बताइएगा आपका 50 में कितना आया। यहाँ पे सेफ स्कोर देखो कमेंट तो नहीं कर सकते, दैट इज वेरिएबल, लेकिन स्टिल क्वेश्चन ईजी थे, कम से कम 45 बनना चाहिए, 5 ही गलत होने चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है चलो, जो बाय सी या मिलते हैं अभी नॉकटर्नल में। आप नॉकटर्नल ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लासेस, इस वाले को प्रोफाइल को फॉलो करके सौरभ शर्मा सर्च करके, अन अकेडमी पर सर्च बार दिया गया है, वहाँ पे सर्च करिएगा सौरभ शर्मा, मिल जाएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा मिल जाएगा, और ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। ठीक है तो चलो, आज आज खराब आया है, कोई बात नहीं इम्प्रूव कर लेंगे। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी कराए हैं, इससे पहले वाला ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में लिंक है, मतलब प्लेलिस्ट में लिंक थोड़ी, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें प्लेलिस्ट बोल के लिखा गया, क्लिक करो। और ये सबसे लास्ट सेशन था, इसके ऊपर वाला देख डालो, फिर इसके ऊपर वाला देख डालो, ऐसे करके देखते जाओ। ठीक है चलो, जाओ बाय, सी या इन द नेक्स्ट सेशन, सी या।